Welcome to One and All. We started with C++ and we are about to end of this chapter. आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड द नेम इज टाइप कन्वर्जन इन C++. What is the meaning of type conversion? Okay, so this will be the last topic of your chapter. ये according to board ये आपके book में last topic है. Okay, textbook का last topic है. And till here, and if you are finding any kind of difficulties, please mention through comment box or through mail. Okay, I will solve all kind of doubts whatever you are facing. And after this, we will do board questions also. ओके बोर्ड क्वेश्चन के क्या पैटर्न रहते हैं वैसे तो मैंने सब आपको बोर्ड का कंटेंट पढ़ा दिया है बट सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिमेनिंग सो वी विल टेक बट आई वांट टू गिव यू द बोर्ड क्वेश्चंस फर्स्ट सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओके सो लेट्स सी स्टार्ट वी आर स्टार्टिंग विद दिस टाइप कन्वर्जन कन्वर्जन मीन्स समथिंग वी आर कन्वर्टिंग बट क्या कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप सो लेट्स सी क्या मीनिंग है इसका Type conversion. When constant and variables of different type are mixed in an expression, compiler applies rule of automatic type conversions. Okay, तो इसने क्या बोला है जब variables of different data type, indirectly इसका ये line का meaning क्या है मैं आपको पहले short में बता रही हूँ जब भी number of variables है आपके program में okay, और उसका data type क्या है different है अलग अलग है like int, float, double ऐसा कुछ है तो जो अगर हम किसी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट को इंट में तो ये कंप्यूटर क्या करता है कंपाइलर क्या करता है ये बाय डिफॉल्ट रूल अप्लाई करके ऑटोमेटिक खुद ही कन्वर्ट करके दे देता है वी आर नॉट सपोज टू राइट एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट ओके नॉट स्पेसिफिक रूल वी हैव टू अप्लाई ये बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं जो हो जाती हैं सो ये कन्वर्जन्स होते हैं बट कौन से कन्वर्जन होते हैं और कौन से कन्वर्जन के लिए हमें कोडिंग लिखना है वही हमें यहाँ पे देखना है Assignment operator also causes the automatic type conversion. What it means, assignment operator, I think you know the meaning is equal to. Okay? So, इसका पूरा content क्या है वो आपको third वाले point में समझ में आएगा The type of data towards the right, ये क्या है आपका towards the right. Suppose मैंने यहाँ पे A लिखा Type of data towards the right of an assignment operator is automatically converted to the variable towards the left. यहाँ पे suppose मैंने B लिखा तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी type का data right में रहता है वो by default convert हो जाता है B के type में by using this assignment operator. इसलिए ये क्या करता है It causes the type conversion. Okay? So these three statements are very simple for the theory of type conversion and in board you are just having a short theory. Don't go for the programming concept for this. Just prepare short theory with the syntax. Okay? So you are having that much only for your board also and in your solution or textbook you are having this much content only. I am giving you somewhat more to explain you the types of conversion. Okay? सो ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर डेटा टाइप में फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव प्रिमिटिव मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज बिल्ट इन ओके प्रिमिटिव मीन्स अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सो दिस इज द सेकंड नेम फॉर बिल्ट इन यू कैन राइट हियर बिल्ट इन ओके सो बिल्ट इन में हमने क्या क्या पढ़ा था इफ़ यू डोंट नो द डेटा टाइप प्लीज गो थ्रू द सिक्वेंशियल लिंक एंड दिस डेटा टाइप वी डिड इन सेकेंड लेक्चर ओके सो इंट कैर फ्लोट डबल दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन C++ सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया और नेक्स्ट इज क्लास टाइप मीन्स वॉट क्लास टाइप इज एनी क्लास यू डिफाइन ओके क्लास टाइप का डेटा टाइप कैसे हो सकता है जो भी हमने क्लास डिफाइन किया अभी तक हमने कितने सारे क्लास के प्रोग्राम्स किए हैं सिंटैक्स देखा है अगर आपको इसका थ्योरी समझना है टाइप कन्वर्जन का तो पहले आपको डेटा टाइप ऑब्जेक्ट और क्लास का थ्योरी क्लियर होना चाहिए ओके सो क्लास टाइप इज एन एनी क्लास यू डिफाइन कुछ भी ऐसा क्लास जो हमने डिफाइन किया
When we are creating class, we are creating data type. Actually, we studied only that class is user defined data type. तो जब भी हम class create कर रहे हैं, मतलब हम क्या use कर रहे हैं, हम data type use कर रहे हैं, और वो data type क्या रहता है, class. तो आपने देखा होगा, अगर class का नाम ABC है, okay? अगर class का नाम ABC है, और void main में हमने create किया object P, ABC का object P है. ओके और कभी अगर हमने ऐसा बिल्ट इन के लिए लिखा है इंट ए, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू स्टेटमेंट. पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, ये बेसिक है. सो ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, दिस इज फॉर बिल्ट इन. अब यूजर डिफाइंड में क्या हो गया, पी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. ओके सो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोला है कि वी आर क्रिएटिंग क्लास, व्हाट इट मींस, वी आर क्रिएटिंग डेटा टाइप. जैसे हमने ये लाइन लिखा तो क्या था उसका मीनिंग, वी आर क्रिएटिंग डेटा टाइप ऑफ टाइप इंटीजर. सेम वे हम लोग यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसका टाइप क्या है, ए बी सी है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है और वेरिएबल क्या है, पी है. ओके सो पी और ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. तो ये एमसीक्यू में भी आता है, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. ओके सो दीज आर द टू टाइप्स. नेक्स्ट, बिल्ट इन टू बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन, जो बेसिकली जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है. व्हाट इट मींस, पहले हम लोग एक समझ के लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या है. तो इंट एक्स यहाँ पे दिया है, फ्लोट वाई. यू हैव टू राइट इन फॉर योर थ्योरी सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली, डोंट गो फॉर द प्रोग्राम. ओके यू आर डूइंग दिस टाइप कन्वर्जन एट वेरी बेसिक लेवल, सो जस्ट यू हैव टू गिव द सिंटैक्स और द मीनिंग, ओके, ऑफ द स्टेटमेंट्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंट एक्स लिया है, फ्लोट वाई लिया है. फ्लोट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, एक्स मीन्स यू कंप्लीट इंटीजर नंबर. देन वाई का वैल्यू क्या है, 29.123. अब इसका क्या मीनिंग है कि जो राइट साइड में है उसका वैल्यू कहाँ कॉपी होता है, लेफ्ट साइड में. ओके यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वाई का वैल्यू क्या है, 29.123 एंड वाई इज फ्लोट. तो फ्लोट का वैल्यू हमें कहाँ कॉपी करना है, इंटीजर में. इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, फ्लोट का वैल्यू हमें इंटीजर में कॉपी करना है. सो फ्लोट कैन बी फ्रैक्शनल, फ्लोट तो फ्रैक्शन में ही रहेगा वैसे, बट उसको हमें क्या इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सो दिस इन योर फाइनल आउटपुट यू विल गेट एज 29 ओनली. जब पूछेगा वो फाइनली x इक्वल टू y, सो फॉर x यू विल गेट 29 ओनली. ओके दिस यू विल गेट. सो दिस इज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट. अगर आप ये सिंटैक्स लिख देते हो, ये लाइन लिख देते हो, तो कंपाइलर को समझ जाएगा और वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर लेगा. क्यों? क्योंकि दोनों भी इंट और फ्लोट कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्ट इन से बिलोंग करते हैं. दोनों एक ही जगह से हैं, सो कंपाइलर को ये समझ में आ जाएगा और कंपाइलर विल डू इट ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट, इंट वाई एंड फ्लोट एक्स, इसमें जस्ट मैंने अपोजिट ले लिया है. वाई का वैल्यू है इंटीजर में अभी 5 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीजर टू फ्लोट. अभी इस टाइम एक्स क्या है, फ्लोट में, तो हमें ये बार फ्लो इंटीजर का वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. सो थिंक व्हाट यू विल गेट, जो भी वाई का वैल्यू होगा वो एक्स में आएगा, बट यू विल थिंक कि अभी ये फ्रैक्शन में कैसे आएगा. सो सिंपली कंपाइलर विल प्रिंट 5.0. ओके सो यू गॉट इन फ्रैक्शनल पैटर्न, दैट इज 5.0. तो कंपाइलर ये प्रिंट करेगा एक्स का वैल्यू. ओके सो दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट. Now, what is the important note here? Here, automatic type conversions will happen because both are primitive data type or both are built-in data type. दोनों भी same हैं, इसलिए ये automatically हो रहा है. तो problem कहाँ होगा? जब data type अलग होगा. हमने तीन type के data type पढ़े थे, built-in, user-defined and derived data type. ओके तो ये तो दोनों built-in से belong करते हैं, इसलिए ये conversion तो बहुत simple है, compiler को समझ में आ जाता है. But what we have to do for other kind of data type. So we will see here first the theory, then we will see the syntax.
सो बिल्ट इन टू बिल्ट इन डेटा टाइप कन्वर्जन में क्या हो रहा था, द टाइप कन्वर्जन आर ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज डेटा टाइप इन्वॉल्व आर बिल्ट इन डेटा टाइप. सो टाइप कन्वर्जन क्या होगा, ऑटोमेटिक ही होता रहेगा जब तक हमारा डेटा टाइप क्या है, बिल्ट इन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू एड टू ऑब्जेक्ट्स एंड असाइन द रिजल्ट इन थर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, वी वन और वी टू क्या है, ऑब्जेक्ट एंड वी थ्री इज थर्ड ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा फाइनल वैल्यू स्टोर है. हियर बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर क्लास टाइप. ओके, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ पे हैं, क्लास के हैं. सो ऑपरेशन ऑफ एडिशन कैरिड आउट स्मूथली बाय द कंपाइलर विदाउट एनी कंप्लेंट. वॉट इट मीन्स, इसमें भी एक है कि वो क्लास टाइप है, ठीक है. ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लास से. बट हियर दीज ऑब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम सेम क्लास. कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, इफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम सेम क्लास देन एडिशन कैरिड आउट स्मूथली बाय द कंपाइलर विदाउट एनी कंप्लेंट. ओके, एरर कुछ भी नहीं होगा, फिर बाय डिफॉल्ट कंपाइल हो जाएगा. कब, जब ये तीनों का क्लास एक ही होगा. ओके, बट इफ वन ऑपरेंड इज बिल्ट इन और प्रिमिटिव एंड अदर ऑपरेंड इज क्लास टाइप देन कंपाइलर विल गिव एरर. ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि अगर आपका एक ऑपरेंड जो आपको यूज करना है वो बिल्ट इन है और दूसरा ऑपरेंड प्रिमिट क्लास टाइप है. ओके, तो कंपाइलर क्या देगा यहाँ पे, आपको एरर दे देगा. वो कंपाइल नहीं कर पाएगा, वो नहीं सोच पाएगा कि उसे क्या करना है. सो उसके लिए क्या करना है, सो फॉर टाइप कन्वर्जन कंपाइलर अब क्या करेगा, देखो, कंपाइलर डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स फॉर अदर देन बिल्ट इन डेटा टाइप. तो कंपाइलर डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन अदर देन बिल्ट इन, मतलब बिल्ट इन टू बिल्ट इन ठीक है, बट बिल्ट इन टू क्लास, क्लास टू बिल्ट इन, क्लास टू क्लास है, सो कंपाइलर वोंट सपोर्ट. ओके, देयरफॉर डिजाइन द कन्वर्जन रूटीन इफ टाइप कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड. सो डिजाइन द कन्वर्जन रूटीन, रूटीन मीन्स वॉट, सम काइंड ऑफ कोडिंग. तो आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा कोडिंग जिससे आपका टाइप कन्वर्जन जो आप कन्वर्ट करना चाहते हो जाए. ओके, सो यहाँ पे आपको एक ऐसा डिजाइन और कोडिंग लिखना पड़ेगा जो कंपाइलर रीड कर सके और उसे कन्वर्ट कर सके. सो वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन्स. First one is conversion from built-in to class type. Second is from class type to built-in type. Third one is from one class type to another class type. Okay? So first we will do built-in type to class type. अब देखो, पहले आप याद रखो, built-in type to class type अगर आपको convert करना है, okay? तो आपको constructor use करना है. Keep in mind this. First of all, कि built-in to class type अगर आपको convert करना है, so you have to use constructor. The constructor can be used for default type conversion from arguments type to constructor's class type. Okay, constructor का type जो भी है और argument क्या pass किया है, so ये conversion can be done by default. ये हो सकता है, but we have to use this constructor. Okay, for example, अभी मैं यहाँ पे एक program मैंने लिया है, but this is not the complete program. ये just मैंने एक look दिया है program का. This is not the complete program because you don't need program. Okay? ये सिर्फ board में theory ही आएगा, ये भी confirm है. Okay? So don't worry that we are not having program. Okay? Just you have to follow the content of textbook. If content of textbook is not having a perfect program, then you are not supposed to bother about this. And first of all, till date, बोर्ड में सिर्फ इसका थ्योरी विद सिंटैक्स ही पूछा गया है. सो वी आर हैविंग अ क्लास टाइम. तो हमें एक्चुअल में, मैं इसका आपको एम बता देती हूँ, हमें यहाँ पे मिनट में टाइम दिया हुआ होगा. ओके, कंप्लीटली मिनट, जैसे 90 मिनट है ये. ओके, और हमें इसको क्या कन्वर्ट करना है, हमें इसे आर में कन्वर्ट करना है. ओके, आर्स में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स सी हाउ विल डू. So see here, we started with a class. We took these two private variables, hour and minute. Public access specifier में हमने क्या दिया, default constructor. Why we are using this? मैं अभी ये भी बताऊंगी. And this thing you are not having in your TPS or textbook. So please follow this.
and this is parameterized constructor. We are passing this parameter. How you know that this is constructor? You can see the name of class is same as the constructor name and we are not having any return type. तो यहाँ पे कुछ तो सिंटैक्स है, ये आप छोड़ दो अभी के लिए क्या है, ओके okay? और void main में कुछ तो कोडिंग है. सो हमें ये समझना है कि ये कोडिंग क्या है. सो सपोज हमने टाइम टी वन मीन्स ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया, टी वन, ओके. तो फिर इंट ड्यूरेशन इक्वल टू 90, एक वेरिएबल लिया ऑफ टाइप इंटीजर, ड्यूरेशन इक्वल टू 90 दे दिया, 90, ओके. तो ये ड्यूरेशन को हमने किस में चेंज किया है, क्लास टाइप में. तो यहाँ पे क्या था, एम बिल्ट इन टू क्लास टाइप. सो ये बिल्ट इन है बिकॉज ड्यूरेशन का डेटा टाइप इज इंटीजर. तो इसको हमने कैसे चेंज किया, इन क्लास टाइप. बट दिस स्टेटमेंट विल गिव एरर, ओके. अगर आप ये डायरेक्टली रन करोगे विदाउट कंस्ट्रक्टर तो इट विल गिव एरर, ओके, एरर देगा यहाँ पे. फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, सो सी हियर वी हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्टर विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप इंटीजर, ओके. जो यहाँ पे टाइप लिखा होगा ड्यूरेशन का टाइप या कौन से भी वेरिएबल का टाइप, सेम टाइप यू हैव टू यूज हियर. बट जब कंपाइलर रन करेगा तो वो क्या सर्च करेगा कि वी आर नॉट हैविंग एनी पैरामीटर विद दिस ऑब्जेक्ट, ओके. सो वॉट इट मीन्स, कंपाइलर विल सर्च फॉर द सिमिलर पैटर्न. हियर वी आर हैविंग नो ऑब्जेक्ट, ओके, सॉरी नो डेटा इन दिस ऑब्जेक्ट. सो वो वही ढूंढेगा, वो सोचेगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में डेटा कौन सा कॉपी होगा, नहीं पता. सो एट सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंपाइलर विल रन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो वी हैव टू गिव दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हियर. तो आप सोचोगे हमने दोनों क्यों दिया है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ओके. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो सोचेगा कि ये पैरामीटराइज यहाँ पे क्यों मेंशन है, एंड इफ यू आर नॉट मेंशनिंग हियर दिस पैरामीटराइज तो वो बाय डिफॉल्ट रन करता, ओके. बट आपने ये मेंशन किया है तो वो कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करने पे उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो देयर इज नो पैरामीटर, देन व्हाई इट इज हियर. सो इसलिए हमें एक डिफॉल्ट वन भी कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ेगा. तो एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ये कंस्ट्रक्टर रन होगा, ओके. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन इक्वल टू 90 और वो क्या है, टाइप इंटीजर. तो ये कैसे रन होगा, एज सून एज दिस ड्यूरेशन, वो ट्राई करेगा कंपाइलर इसको रीड करने के लिए कि ड्यूरेशन का वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, इन दिस ऑब्जेक्ट टी वन, ओके. सो ये क्या कॉल करेगा, दिस विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, ओके. और ये ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का वैल्यू ये टी में कॉपी होगा, दिस वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन विल गेट कॉपीड इन टू टी, ओके. अब सिंपली आपका प्रोग्राम सॉल्व होगा. सो आई विल सॉल्व यू फॉर हियर, आई सॉल्व दिस फॉर यू, सॉरी. आर में क्या होगा, टी अपॉन 60 मीन्स 90 अपॉन 60, ओके. सो वॉट यू विल गेट, मैंने बताया था आपको ये पहले ही क्लियर किया है ऑपरेटर्स में, दैट डिविजन विल गिव यू रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना आया, 30, ओके. सो इसमें अगर ये मिनट्स में है, ओके, दिस इज इन मिनट्स. So, sorry, this will give you 1, division is 1, 90 by 60, division will 1, okay. And next is minute, minute mein kya aega, t mod 60, that is 90 mod 60. अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग मॉड यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, दैट वी आर गेटिंग रिमाइंडर. तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 60 90 में वन टाइम ही जाएगा, फिर रिमाइंडर विल बी योर डेटा 30, ओके. सो फाइनल वैल्यू कैसे प्रिंट होगा, 1 hour 30 minutes. सो 90 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 1 hour 30 minutes, ओके. सो दिस वॉज योर प्रोग्राम फॉर बिल्ट इन टाइप टू क्लास टाइप. सो दिस इज जस्ट द सिंटैक्स कि हमें अगर ऐसा कुछ करना है, सो वी नीड दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड टू रन दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वी हैव टू पास वन डिफॉल्ट वन ऑल्सो, ओके, बिकॉज वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू इन दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लास टाइप टू बिल्ट इन टाइप. Overloaded casting operator is used to convert a class type data to built-in type. तो यहाँ पे क्या रूल है, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, built-in to class type में कि constructor use होगा, okay? Now here
वी हैव टू यूज ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर, मतलब ओवरलोडेड का कुछ तो आपको सिंटैक्स यूज करना है. ओके, सो दैट टाइम ओनली वी कैन कन्वर्ट क्लास टाइप टू बिल्ट इन टाइप. सो वी विल सी द जनरल फॉर्म. ऑपरेटर टाइप नेम. ओके, सो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर कीवर्ड है. टाइप नेम मीन्स एनी काइंड ऑफ थिंग बिल्ट इन, मीन्स जिसको हमें बिल्ट इन में कन्वर्ट करना है. इंट, फ्लोट, कैर, डबल फ्लोट. ओके, तो ये सब यहाँ आएगा, उसका नाम आएगा. ऑपरेटर इंट, ऑपरेटर फ्लोट, ऑपरेटर डबल और ये फंक्शनल ब्रैकेट. फिर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कोडिंग्स होगी. देन रिटर्न टाइप डेटा. सो व्हाट यू विल रिटर्न, जिस जैसे अभी आपने यहाँ पे इंट यूज़ किया था, तो इंट में अगर आपका डेटा स्टोर है तो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, सो वो वेरिएबल आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा. ओके, अगर फ्लोट आपका है तो फ्लोट का फाइनल डेटा आपका कौन से वेरिएबल में स्टोर है, बस वो वेरिएबल आपको यहाँ पास करना है. एंड सॉरी फॉर दिस, इट इज नॉट हियर. ओके, सो द कन्वर्जन फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. ओके, सो इट मस्ट बी अ क्लास मेंबर. ये क्या होना चाहिए, ये सिंटैक्स क्लास का मेंबर होना चाहिए. इट मस्ट स्पेसिफाई अ रिटर्न टाइप. ये एक रिटर्न वैल्यू मेंशन करना चाहिए. एंड इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट. ये जो आर्ग्यूमेंट का प्लेस है ये क्या होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द थ्री रूल्स टू सेटिस्फाई दिस क्लास टाइप टू बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन. एंड हियर आई मिस्टेकन टू राइट दैट आई रोट हियर नॉट. So please cut this note. It must specify a return value. Okay, you can see here, यहाँ पे specify करना पड़ेगा. Next, see here we are having the same kind of program. वहाँ पे क्या था हमारा, minute to hour में convert करना था. यहाँ पे completely फिर से हमें वो content को minute में convert करना है. Let's see how. So हमने यहाँ पे class लिया, private variables लिए, hour and minute. Public में क्या लिया है, वी सेट टू वेरिएबल्स x एंड y. आर में हमने x को कॉपी किया है, मिनट में y को कॉपी किया है. एंड वी टुक दिस ओवरलोडेड टाइप कास्टिंग, दैट इज ऑपरेटर इंट. अभी हमने सिंटैक्स देखा, फिर यहाँ पे कोडिंग होगा. एंड रिटर्न क्या करना है, जिसमें आपका फाइनल वैल्यू इंटीजर टाइप का स्टोर है. सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट मिनट वन. ओके, और इसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. सो कैसे कॉल होगा हम लोग वो देखेंगे. टाइप टी वन, ये क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया टी वन. टी वन डॉट सेट 1, 30. तो एक्स में क्या कॉपी हो जाएगा, आई विल सॉल्व यू फॉर यू. एक्स में 1 कॉपी होगा, वाई में 30 को कॉपी होगा, करस्पॉन्डिंग नंबर्स. ओके, इंट एम, अभी एक वेरिएबल लिया हमने इंट एम. अभी टी वन क्या है, क्लास टाइप. तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास टाइप का डेटा बिल्ट इन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सोचा. तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या सर्च करेगा, कंपाइलर दिस ओवरलोडेड टाइप कास्टिंग सर्च करेगा. अगर ये होगा तो वो करेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं करेगा. ओके, सो जब ये ऑटोमेटिक अभी ये सर्च करेगा कि इसमें कुछ ओवरलोडेड टाइप कास्टिंग सिंटैक्स लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा है, तभी ये कन्वर्जन होगा. तो उसने देखा इंटीजर, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था इंटीजर, तो यहाँ पे भी इंटीजर लिखा. ओके, फिर उसने एक नया वेरिएबल लिया मिनट वन ऑफ टाइप इंटीजर. उसमें क्या किया, आर इंटू 60. आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 1 है, मिनट का 30. आर इंटू 60 किया तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिनट वन क्या मिल गया, 60. ओके, नेक्स्ट में मिनट वन इक्वल टू मिनट वन दैट इज 60 प्लस मिनट का वैल्यू कितना है 30. तो टोटल क्या हो गया 90. रिटर्न 90, यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा 90 मिनट वन, इसका डेटा मिनट वन का डेटा. ओके, टाइप डेटा. सो 90 रिटर्न हो जाएगा. एंड दिस वे यू विल गेट योर 90 मिनट्स फ्रॉम 1 आवर 30 मिनट. यू कन्वर्टेड दिस टू टोटली इन मिनट. ओके, आपने कम्प्लीटली कन्वर्ट किया. सो यहाँ पे ये सिंटैक्स आप कब लिख सकते हो, जब आपने ये प्रोग्राम में ओवरलोडेड टाइप कास्टिंग बताया है, तभी ये सिंटैक्स यहाँ पे ये वाला वैलिड है. अदरवाइज इट विल गिव एरर. ओके, सो नेक्स्ट वन, कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अदर क्लास टाइप. ओके, आपको इसमें सिर्फ एक सिंपल थ्योरी ही लिखना है. ये सिर्फ सिंटैक्स आप एक ड्रॉ कर दो और थ्योरी लिख दो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा.
बस बाकी कुछ भी नहीं, और एक ये आप चाहिए तो ये एक रिप्रेजेंट कर दो मेमोरी को बस। सो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे, क्लास आइटम एक लिया है उसमें प्राइवेट वेरिएबल दिया इंट ए बी, क्लास प्रोडक्ट लिया है उसमें भी प्राइवेट वेरिएबल दिया इंट एम वन एम एन एन। यू कैन सी वॉइड मेन में आई वन आइटम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे आई वन एंड प्रोडक्ट का पी वन। ओके सो यू कैन सी हियर आई वन में हमारे पास आई वन किसका था, क्लास आइटम का। सो आई विल राइट हियर आई वन किसका है, क्लास आइटम का है एंड पी वन प्रोडक्ट का है ऑब्जेक्ट। तो आई वन के पास क्या होगा ए एंड बी और पी वन के पास एम और एन। ओके इतना क्लियर है। फिर अभी देखते हैं पी वन डॉट सेट डेटा 3,4। अगर हमने एक फंक्शन लिया है मेंबर फंक्शन उसमें वैल्यू पास कर दिया 3 और 4 पर किस में, प्रोडक्ट में। ओके तो प्रोडक्ट में कितने वेरिएबल हैं एम और एन, तो यू आर गेटिंग 3 एंड 4 हियर, एम का वैल्यू 3 एंड एन का 4। ओके तो ये पी वन का हो गया पी वन डॉट सेट डेटा। बट नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आई वन इक्वल टू पी वन। ओके उसने बोला ये पी वन का जो भी वैल्यू है और पी वन को आई वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इसने ये स्टेटमेंट लिखा है। बट हियर यू विल गेट एरर फॉर दिस टाइप कन्वर्शन बिकॉज हमने तो कुछ सिंटेक्स नहीं लिखा है इसके लिए, वी सिंपली राइट रिटेन द कोड। ओके तो सिंपली जब हमने कोडिंग लिखा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, क्यों देगा तो हम ये देखते हैं। दीज आर प्राइवेट वेरिएबल्स, ओके दीज आर प्राइवेट वेरिएबल्स और ये भी क्या है प्राइवेट वेरिएबल। तो हम एक्चुअल में क्या बता रहे हैं उसको कि आई वन जो है आई वन में कॉपी और कन्वर्ट पी वन का डेटा इन आई वन, ये हमने लिखा है जहाँ पे एरर देगा। क्यों देगा, पी वन का डेटा भी प्राइवेट है आई वन का डेटा भी प्राइवेट है। सो कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज बोथ द क्लास आर डिफरेंट। प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप कहाँ होगा, विद इन द क्लास। ओके तो इनडायरेक्टली कंपाइलर को क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स है इसको आप कंबाइन कर दो इनडायरेक्टली। पी वन का जो प्राइवेट वेरिएबल है लेट देम एक्सेस टू आई वन, तो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा। ओके टू सॉल्व दिस एरर वी कैन कन्वर्ट थ्रू कंस्ट्रक्टर और थ्रू टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। सो जस्ट इन योर थ्योरी मेंशन दिस सिंटैक्स दिस डायग्राम, ओके एंड राइट द थ्योरी दैट प्राइवेट, यहाँ पे क्या है आपके वेरिएबल्स प्राइवेट है इसमें भी प्राइवेट है। सो वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट वेरिएबल्स टू आइटम, ओके बिकॉज बोथ आर हैविंग देयर ओन स्कोप, तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी आर हैविंग टू मेथड जो हमने देख लिया है, कन्वर्जन थ्रू कंस्ट्रक्टर एंड कन्वर्जन थ्रू कास्टिंग ऑपरेटर। ओके और इसका आप कोडिंग अगर देखोगे तो ये बहुत वास्ट है, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस फॉर योर पेपर, जस्ट मेंशन दिस और कैसे कन्वर्ट करोगे बस ये लिखना है। ओके सो राइट दिस टू स्टेटमेंट जस्ट यू कैन कन्वर्ट विथ कंस्ट्रक्टर एंड कास्टिंग ऑपरेटर। ओके सो बस ये मेंशन करो आपकी कंपाइलर को प्रॉब्लम कहाँ पे होगा। सो कंपाइलर क्या सर्च करेगा, कंस्ट्रक्टर या तो कास्टिंग ऑपरेटर के लिए सर्च करेगा। सो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करवाने के लिए यू हैव टू राइट अ लॉट्स ऑफ कोड, तभी आपका प्रोग्राम ये सक्सेस होगा। सो एट योर लेवल एट दिस लेवल ऑफ बोर्ड यू आर जस्ट सपोज टू नो द टाइप ऑफ कन्वर्जन्स, अगर ये कन्वर्जन है तो ये होता है कि नहीं, कौन से कन्वर्जन्स होते हैं, व्हाट स्टेप शुड वी टेक। अगर बिल्ट इन टू क्लास टाइप है देन यू हैव टू यूज कंस्ट्रक्टर एंड क्लास टाइप टू बिल्ट इन है तो देन कास्टिंग ऑपरेटर, और यहाँ पे दोनों भी वैलिड है। ओके दोनों से आप प्रोग्राम कर सकते हो। सो बस आपको इतना ही लिखना है इसमें थ्योरी, इट मे कम फॉर 3 मार्क और 4 मार्क। अगर टाइप कन्वर्जन की थ्योरी के साथ ये 3 टाइप्स हैं तो इट विल बी फॉर 4 मार्क एंड स्पेशली डायरेक्टली 3 टाइप्स पूछा है देन इट विल बी फॉर 3 मार्क। ओके सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी सिंपल वे में बताने के लिए ट्राई किया है। देन टू अगर आपको कुछ डाउट्स हैं सो प्लीज़ मेंशन थ्रू कमेंट बॉक्स और मेंशन दोज प्रॉब्लम्स थ्रू मेल। ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी बोर्ड क्वेश्चंस और बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न इन C++ विथ प्रोग्राम्स।
तो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स भी देने वाली हूँ, बोर्ड क्वेश्चन भी देने वाली हूँ, ताकि आप ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सको विच इज़ हैविंग मैक्सिमम मार्क्स फॉर बोर्ड. ओके, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप इसको कर सकते हो. एंड पैरेलली वी विल डू C++ प्रोग्राम्स ऑल्सो. एटलीस्ट आई हैव टेकन 7 to 8 प्रोग्राम्स, देन टू आई विल डू सम मोर बोर्ड प्रोग्राम्स फॉर यू. ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस. थैंक यू क्लास.